खाते रहे, आज दुनिया जहरीला हो गया और आज जलवायु परिवर्तन का कारण यही है कि समय पर वर्षा नहीं होना, टेम्परेचर का इतना ज़्यादा बढ़ना, वो हमारे लिए बहुत ही कहा जाए नुकसानदायक हो सकता है। और इसलिए आर्द्र भूमि को जो हम लोगों ने यहाँ पर ये गोकुल जलाशय योजना, ये गोकुल का धाम, इन्होंने हमारे अरविंद जी और इनके साथ पूरी टीम आर्द्र और हमारे DFO जो है इसको विकसित करने के लिए, ये जो वेटलैंड है इसको हम कैसे, इसकी आर्द्रता बढ़ी रहे, देश विदेश से पक्षियां आती हैं, इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना, इसको फ्रेंडली हम कैसे स्थापित कर सकते हैं और साथ साथ पेड़ लगाना और अगल बगल में जो चिड़िया हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उनको बचा के रखना, उनका संरक्षण करना, ये उद्देश्य है। वेटलैंड भूमि को हम कैसे आर्द्र बना के रखते हैं इसके बारे में जो एक्सपर्ट है ये आप बाबा, आने वाले समय में क्या पर्यटक भी यहाँ पहुँचेंगे, आप खुद पहुँचे हैं निरीक्षण करने? मैं तो निरीक्षण करने नहीं, मैं तो 2 साल से जब से आया हूँ इसके पेपर देना चाहिए, और 2 साल से पूरा सरकार के माध्यम से हमने यहाँ टीम भेज करके इसको दिखवा रहे हैं, और हमारे जो अरविंद कुमार जी हैं ये बड़े और इनका पूरा बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन है, और इसकी पूरी टीम ये लोग मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं, और मैं इसको विकसित करने जा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, इस पर DPR तैयार हुआ है, लगभग 76 करोड़ का है प्रोजेक्ट तैयार हुआ है, हम उसको भारत सरकार की ओर से करके पूरे हम एक बढ़िया झील जिसमें पशु पक्षी चारों तरफ से देश विदेश से यहाँ अपने मौसम भी आएंगे, मौसम में भी आएंगे, और लोगों को बायोडाइवर्सिटी से प्रेम होगा, और किनारे किनारे पेड़ लाखों वृक्ष लगे झील के अगल बगल चारों तरफ, इसका भी प्रयास चल रहा है जिस पर लोग पशु पक्षी आ करके उस आय को और उसके पौधे को उसका आनंद भी बटोर सकते हैं, वहाँ आ करके चिड़िया पौधा आपने देखा भी बगला चल जाता है, सत्रह जून को शुरू होगा कार्यक्रम, उनका पूरा ये आर्द्र भूमि को जगाने का, लोगों में अवेयरनेस पैदा करने का, और विपुल अवेयरनेस विपुल साजिश लोगों को भी जागरूक करना और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना, सबसे बड़ा जागरूक करना ही नहीं उनकी सहभागिता कैसे हो इसका प्रयास किया जा रहा है। इस वेटलैंड को हम एक बढ़िया बनाएंगे, और मुझे लगता है कि अरविंद जी इसके एक्सपर्ट हैं, आप इनसे और जानकारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुल 62 करोड़ रुपए की लागत से इस पूरे गोकुल जलाशय का निर्माण किया जाएगा और इसे विकसित पहुँचेंगे, और पर्यावरण चाचा और भतीजा इस क्षेत्र का दोस्त देंगे जनता को और दूसरी पार्टी को, ये माल किसने खाया? 23 जून को तो पार्टी का उनका एक चली चली चली, अरे वो मीटिंग कर ले, सिटिंग कर ले, ये पलटू राम कभी इधर पलटेगा कभी इधर पलटेगा, ये पलटू राम और उल्टू राम की जोड़ी, ये बिहार को जंगल राज बना करके छोड़ने का जो इनका मंसूबा है, ये बिहार जंगल राज नहीं बनने देंगे, ये पलटू राम को पलटा करके उल्टू राम को उठा के पटक देगी, वो क्या जाएगा CBI में सब कुछ है, आप दे दो ना ये पलटू राम जी, ये पुल आपने कैसे ध्वस्त करा है, 1 साल पहले आपने पुल को ध्वस्त हो रहा था उस समय जांच बैठा, ये जो पदाधिकारी जितना ज्यादा, एक ही पदाधिकारी समूचा सब विभाग उन्हीं को दे दो है? जो जितना लाभ तुम्हारे लिए ला सकता है, कमीशन खोर का काम हो रहा है बिहार के अंदर, ये कमीशन खोरी ने पूरा पुल भ्रष्टाचार के वेदी पर चढ़ गया।